राम झूला से लक्ष्मण झूला करीबन 3-4 किलोमीटर है और मैं चलते आ रहा हूँ मेरे इस बोझे के साथ। ये होगा 25-30 किलो का, हालत ख़राब है। चलते जा रहा हूँ, नज़ारे अच्छे हैं। देखो पहाड़ भी है यहाँ, बिल्कुल मतलब महाराष्ट्र वाली फीलिंग आ रही है। चलो चलते रहते हैं, थोड़ा एक हाथ 2 किलोमीटर बाकी है, पहुँच जाऊँगा। के लिए अपनी बैग को मैं यहाँ छोड़ता हूँ लक्ष्मण झूले के पास, और थोड़ा ऊपर से आपको बढ़िया नजारा दिखा रहा हूँ, अच्छे से साफ साफ। लेट्स गो। सॉरी, ये है लक्ष्मण झूला, गंगा नदी। हाँ, यहाँ तक आने के लिए मैं 4 किलोमीटर चलकर आया हूँ, वो भी अच्छा खासा मेरा बस्ता लेकर। वहाँ देख सकते हैं मेरी बैग रखी है, वो रेड टी शर्ट पहना है जिसने, इसको स्किप करो, एक और है और फिर मेरी बैग रखी है। हाँ, इतनी बड़ी बैग लेकर अराउंड 25-30 kgs। और मज़ा है करने के ऐसे एडवेंचर्स। और हाँ, यहाँ अब यहाँ से निकलूँगा मैं नीलकंठ, जो कि ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, इसके पीछे वाला पहाड़, और वहाँ एक घाट है, वहाँ पड़ता है नीलकंठ। 18-20 किलोमीटर होगा, मज़ा आने वाला है। चलो चलते हैं, बाय। रिवर राफ्टिंग की बोट्स देख रहे हैं, फोकस चेंज करो, इनको देखो जरा। ऐसे बहुत पास हो इनकी,
देख सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए जो सफ़र रहा है वो बड़ा ही गजब रहा है। मैं राम झूला से यहाँ तक चल कर आया हूँ, 3-4 किलोमीटर का ये फासला था, और न्यू दिल्ली से कल 7 घंटे लगे थे मुझे यहाँ पहुँचने को। झगड़ा कर रहे हैं तो मज़ा आया था। 7 घंटे का सफ़र लिफ्ट का, नॉन स्टॉप लिफ्ट मिले थे एक के बाद एक, तो 7 घंटे में पहुँच गया। यूजुअली बसेस भी 7-8 घंटे लेती हैं, सो मज़ेदार था सफ़र। अब तक नेपाल वाली जर्नी और फिर ये इंडिया की जर्नी, ये मज़ा आ रहा है थोड़ा। पहले इतना एक्साइटमेंट का अंदाज़ा नहीं था, पर मैं फाइनली उत्तराखंड आ चुका हूँ। आहा, गजब की फीलिंग है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी इसके बाद मैं नीलकंठ भी आज पहुँच जाऊँ और कल सुबह मैं वापस हरिद्वार पहुँच जाऊँ पहले शाही स्नान के लिए, और धमाल। तो उत्तराखंड के और कुछ हिस्से घूमने वाला हूँ। देखो मेरी बैग रखी है, मैं कब से उसको देख रहा हूँ। पुलिस वाले भी सोच रहे होंगे कौन है बैग छोड़ के चले गए, पर ठीक है, मज़ा आ रहा है। मुझे लगता है मुझे नीचे चले जाना चाहिए, नहीं तो फिर पता नहीं, यहीं रहता हूँ। यहाँ से नज़ारे बड़े गजब है, ये देखो आगे की पहाड़ियाँ। यहाँ पीछे जो दिख रहा है, पीछे पहाड़, उसके पीछे एक और बड़ा पहाड़, और वहाँ पीछे घाट पड़ता है, वो है नीलकंठ। वहाँ पहुँचने के लिए लगते हैं लगभग लमसम 2 घंटे अगर आपके पास गाड़ी हो तो, क्योंकि घाट वाला रास्ता है, और 3-4 घंटे अगर आप चल के जाएं, क्योंकि 18-20 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। तो मैं तो अभी चलना स्टार्ट करूँगा और देखूँगा, अगर कोई मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो भी अच्छा है, चलते रहेंगे। ये जगह बहुत गजब है। कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं और इसके मज़े उठा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मिस करने वाले हैं। बाबा को देखिए, बाबा यहाँ से देख रहे हैं। कुछ कहेंगे? कहेंगे भोलेनाथ सदा आपको जीवन अच्छा रहे, महादेव जय हो भोलेनाथ बाबा की यात्रा तो पैदल ही है। जय शिव शंकर। वो कुछ ले रहे थे तो लेने दो। पुलिस वाले टेंशन में आ गए होंगे कि आके कौन बैग छोड़ के चले गए। पर उधर राफ्टिंग कर रहे हैं सब, रिवर राफ्टिंग। इधर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और देखो अपना कमंडल लेकर निकल गए बाबा जी। कल मेरी मुलाकात होने वाले कई सारे अघोरियों से, नागा बाबा से, साधुओं से। कल का दिन बहुत गजब होने वाला है। कल सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं करूँगा पहला शाही स्नान। आज सुबह सुबह मैं गंगा में नहा कर आ चुका हूँ, ऐसे पहली दफ़ा था। अब और धमाल मज़ा आने वाला है। चलो फिर, मुझे लगता है मुझे अब यहाँ से इस लाइफ को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे बढ़ना है नीलकंठ की ओर, और 3-4 घंटे लग सकते हैं मेरे चल के या फिर ज़्यादा। तो इसको यहीं समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं। आपको वैदिक यात्री करके ही सर्च करना है, और अगर वैदिक यात्री से ना मिले तो समझ लेना कि वो चेंज हो चुका है अब, क्योंकि मतलब YouTube टेक्स टाइम टू गेट अडेप्टेड विद द न्यू नेम। और जो नया नाम मैंने डाला है वो है जर्नलिस्ट रजत शुक्ला। तो मतलब हर जगह वही कर दिया यार, बार बार ना सर्च करने को बहुत दिक्कत होती है लोगों को, और बताने में भी दिक्कत होती है। तो 10 नाम रखने से बेटर है एक ही नाम डाल दिया, जर्नलिस्ट रजत शुक्ला। तो मेरे चैनल का नाम, ट्रैवल चैनल का नाम जर्नलिस्ट रजत शुक्ला ही है, तो उसमें आप बहुत कुछ देखने वाले हैं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अ ट्रैवल चैनल, उसमें मैं काफ़ी टिप्स भी देता हूँ, मेरे लाइफ के बारे में भी काफ़ी चीज़ें हैं। जुड़े रहें और देखते रहें मेरे वीडियोस, यूं ही मैं आपको दुनिया के इस सफर में अपने साथ ले चलूंगा, यहाँ इन्हीं लाइव्स पर और इन्हीं वीडियोस पर। थैंक्स एंड बाय बाय।
कीप लविंग मी, लव यू गाइज़।